नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। जालौन, यूपी कारागार मंत्री का फूटा गुस्सा, पीसीएफ के जिला प्रबंधक को उल्टा लटकाने की कही बात, कैमरे में हुआ सब रिकॉर्ड। प्रदेश के कारागार मंत्री जय कुमार सिंह, जो कि आज जालौन के उड़ई में जिला योजना की बैठक में आए थे, बैठक में विधायकों द्वारा मंत्री से पीसीएफ के अधिकारी की शिकायत की गई। विधायक की शिकायत का संज्ञान लेते हुए कारागार मंत्री ने पीसीएफ के जिला प्रबंधक की फटकार लगाई, साथ ही उन्हें उल्टा टांगने तक की धमकी दे डाली। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दरअसल मामला पीसीएफ के गेहूं और दलहन की खरीद का है। जिला योजना बैठक में कल्पी के विधायक नरेंद्र सिंह जादौन और माधोगढ़ के विधायक मूलचंद निरंजन ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए बताया कि कल्पी की माधोगढ़ के पीसीएफ केंद्र पर किसानों के साथ जास्ती हो रही है। किसानों ने दलहन की खरीद में 500 से 700 रुपए तक लिए जा रहे हैं, साथ ही किसानों की फसल न खरीदने कर व्यापारी से खरीदा जा रहा है। शिकायत सुनने के बाद कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जो कि ने पीसीएफ के जिला प्रबंधक ए.के. वाजपेयी को बुलाया और उनसे मामला पूछा, लेकिन मंत्री के सामने जिला प्रबंधक सही जवाब न दे पाए, जिसके बाद मंत्री ने जिला प्रबंधक की सभी अधिकारियों के सामने जमकर फटकार लगाई, साथ ही उनको उत्काल उल्टा लटकाने तक की बात कह डाली। इसके अलावा उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही। मंत्री की डांट से वहां मौजूद अधिकारी चंकित रह गए। दिमाग खराब है तुम्हारा? विधायक पागल है, जनप्रतिनिधि पागल है, जो लोग कह रहे हैं वो पागल है। हम माधवगढ़ गए थे तो वहाँ किसानों ने समस्या उठाई, यह तो वो गलत है। माधवगढ़ में किसानों ने एसडीएम जी थे, मैं भी था, सारे लोग थे, कम से कम दो दर्जन किसानों ने इस बात को उठाया कि हमें हमसे नहीं दे रहे, बाजार में व्यापारियों को दे रहे हैं। एक वही रटी रटाई भाषा है कि नहीं हम ले रहे हैं, केवल लक्ष्यार्थ दिखा रहे हैं कागजों में, व्यापारियों का ले रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं? मंडी में चल रहा है। किसानों की सूची मंगाओ, मंगाइए मैं कहूँगा 10 बजे रात का मंगाओ जरा किसानों की सूची, किन किसानों से तुम खरीद रहे। अगर एक भी किसान मिला, अगर एक भी व्यापारी का मिला ना, तो वही उल्टा डाले अगर ये भी किसान ने बयान दिया तुम्हारे खिलाफ, एक मुकदमा लिखाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, कोई दूसरा ना तो नीचे कार्रवाई करते हो ना, अब आप पर क्यों कार्रवाई होगी? दिमाग खराब है तुम लोगों का। पूरे जिले के अंदर जिस तरीके से कालाबाजारी की है ना, जांच होगी पता चलेगा एक दूसरे पर कि ये मेरा कांटा नहीं देना। हम सामने माधवगढ़ में थे, माधवगढ़ में किसानों ने कहा, देखते हैं अगर किसान ने बयान दिया ना, बकवास सूची बना लिया।